अगर हम अपने लिविंग रूम में वाटर पार्क बनाए तो ये अजीब लग रहा है। पानी में कूद जाओ। पानी इतना ठंडा है कि उसके दांत कांप रहे हैं। क्या वो इतनी हॉट नहीं है कि पानी को गर्म कर दे? उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। हमें थोड़ी गर्मी दोस्त का आए। ये हुई ना बात। एमा का सूप किसे चाहिए? स्काई ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस केटल में से आवाज आ रही है। मुझे अभी अर्ल ग्रे टी पीनी है। एमा के स्प्रिंकल से ये और मीठी हो जाएगी। स्काई को ये अच्छी लगी। पूरे इंस्टाग्राम पर लोगों की वाटर पार्क वाली फोटोज हैं और अगर हम लिविंग रूम पूल की फोटोज पोस्ट करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। बकवास, सब लोग अपने गर्मियों की छुट्टियों की फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। स्काई को पता है कि वो मदद कैसे कर सकती है। टॉयलेट लिड को प्लेन विंडो की तरह इस्तेमाल करना है। उसके दोस्त हंस रहे हैं। मोनिका ये ठीक कर सकती है, उसने ये पहले भी किया हुआ है। ड्रॉइंग के सामने पिक्चर लेने से बात बन जाएगी। लेकिन कमेंट्स में कोई गंदे कमेंट्स कर रहा है। सच में लोग ऐसे क्यों होते हैं? मोनिका को स्विमिंग अच्छी नहीं लगती। उसकी इयररिंग उसे डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पूल चेयर पर आराम करना अच्छा लगता है। फ्री वाली चेयर ढूंढना मुश्किल है। स्काई यहाँ पहले आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। पेंट अभी तक नहीं सूखा। देखो, हमारे घर में ज़ेब्रा है। एमा बहुत गंदगी फैलाती है। पूरे पूल में चिप्स हैं। क्या तुम? लेकिन फ्लोटिंग टेबल बढ़िया रहेगा। ये ज्यादा समय तक नहीं चला। स्काई चाहती है कि उसके दोस्त हेल्दी चीजें खाए। वेलकम। चिप ज्यादा देर तक बंद नहीं रहे। मोनिका बहुत सारे कॉप शोज देखती है। उसे पता है कि सबको कैसे बचाना है। ये ठीक है। स्काई भी स्विम करना चाहती है, लेकिन एमा को लगता है ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत गहरा है और स्काई ज्यादा अच्छी स्विमर नहीं है। एमा को स्विम रिंग की ज्यादा जरूरत है। उस पूल का क्या फायदा जिसमें स्विम ही नहीं कर सकते? ये ठीक नहीं है। स्काई को बच्चों वाला पूल याद है। ये छोटा है, लेकिन ये पूरा उसका है। उसकी पिछली छुट्टी में उसके क्रॉक्स में मिट्टी भर गई थी। वो इसे कुछ बढ़िया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सैंड पूल छोटे बीच की तरह लगेगा। वो इसके साथ खेल भी सकती है। उसे कुछ है। कीमती स्टोन बहुत अच्छी किस्मत है। बीच पर चलना काम आया। शायद वो अपना वाटर पार्क बना सकती है। लाउंज चेयर पर पेंट सूख गया है, तो अब हम आराम कर सकते हैं। मोनिका को हमेशा सनबर्न हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ सनबर्न नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। सन शेप का प्रोजेक्टर मेरे काम आएगा। अब वो अपने समरी टैन का शो ऑफ कर सकती है। मोनिका सूरज के बहुत पास है। हर अच्छे रिजॉर्ट में बार की जरूरत होती है, खासकर एक होटल में। चलो बनाए। जल्द ही बार तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा और सजाएं। लेकिन बारटेंडर के बिना ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये देखो, तुम्हें क्या चाहिए? ट्रॉपिकल कॉकटेल। ठीक है। स्काई ने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, इसलिए वो इसमें माहिर है। उसे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए और हिलाते हुए देखा। बर्फ का क्या? बहुत बढ़िया। ओप्स, सबको हंसी आ रही है। चलो फिर से ये वीडियो देखें। मेरे सर में दर्द कब खत्म होगा? जब मोनिका बहामास में थी, उसने वहाँ फेस पेंट करना सीखा था। ये समय उसे टेस्ट करने का है। ये अच्छा समय है। वाह, वो सुंदर दिख रही है। वो टैलेंटेड है। वो बहुत प्यारी लग रही है। स्काई इम्प्रेस नहीं हुई। वो कभी बहामास नहीं गई, लेकिन उसके अंकल टैटू आर्टिस्ट है। ये देखो। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। वाटर गन्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। लड़कियां बढ़िया, खतरनाक और सुंदर हैं। ये मजेदार है। एमा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, लेकिन मोनिका अच्छा काम कर रही है।
मामा को लगता है कि ये गलत है। जज की तरफ शूट करने की वजह से तुम्हें उसी समय यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। पूल में जंप करना कंप्लीट करने का एक और बढ़िया तरीका है। जजेस एमा की जंप देखकर खुश नहीं है। मोनिका दिखाएगी कि कैसे करते हैं लव डाइव। जजेस का फैसला एक दूसरे से अलग था। स्काई के पास कुछ कमाल का है। एक बार उसके पेरेंट्स वीकेंड पर उसे ट्रैम्पोलिन पार्क में भूल गए थे। उसे जंप्स के बारे में बहुत कुछ पता है और वो कुछ खतरनाक करने वाली है। अपनी आंखें बंद करो। ओप्स, उसने छत तोड़ दी। ये कमाल का था। लड़कियों के पास बहुत सारे गंदे बर्तन हैं और छोटी बहन को भी ये बर्तन धोने होंगे। ये ठीक नहीं है, वो भी स्विम करना चाहती है। क्या ये एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकती है? अच्छी बात है कि किसी ने उसे फ्लोर साफ करने के लिए नहीं बोला। स्काई अपना स्किन केयर रूटीन कर रही है और उसके सनस्क्रीन खत्म हो गई। एमा के लिए बिल्कुल नहीं बची। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमें बहुत बुरी तरह सन बर्न हो जाएगा। ये सारी फ्लाइज कहाँ से आ गई और ये एमा के पास ही क्यों आ रही है? क्या स्काई को पता है? शायद, लेकिन वो नहीं बताएगी। वो बिल्कुल ठीक है। एमा मेयो का खाली जार देखकर हैरान रह गई। अब समझ आया ये फ्लाइज कहाँ से आई है और वो सनस्क्रीन क्या थी। जैसे ही स्काई आराम करने बैठी, उसके दोस्त उसके पास आयरन के लिए कपड़ों का ढेर लेकर आए, उसकी सारी हरकतों की सजा के रूप में। बिल्कुल ठीक हुआ। जब वो पूल में मजे कर रही है, सिंड्रेला अपना काम कर रही है। अगर तुम पंपकिन से कैरेट बना सकते हो तो आयरनिंग बोर्ड से सर्फ बोर्ड भी बना सकते हो। कपड़े अभी भी खराब है लेकिन स्काई खुश है। सर्फ कर रही हूँ। ताजे फ्रूट ब्लेसिंग की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारा काम है। किसी को भी मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई आया है। लड़कियाँ हैरान है। क्या ये फिर से स्काई का सो पिज्जा और कॉप्स वाला प्रैंक है? नहीं, सिर्फ टूरिस्ट है। ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। टूर कैसा रहेगा? पहले पैसे दो, पैसे वापस नहीं होंगे। ये रिजॉर्ट एक कमाल के विमेन और दो मंकीज ने बनाया था। एमा और मोनिका को ये स्क्रिप्ट ठीक करनी होगी। लेकिन जब तक कस्टमर्स खुश हैं और हमारे पास पैसे हैं, ये दुनिया का सबसे अच्छा रिजॉर्ट है। हैशटैग ट्रॉपिकल पैराडाइज। हाय, वाटर पार्क के दो टिकट्स चाहिए। ये बंद हो चुका है क्या? हाँ, कल आना। कैसे? मैं वाटर पार्क में नहीं जा रही। परेशान मत हो बहन, मेरे पास एक आइडिया है। चलो चले। वाटर पार्क में मेरी मनपसंद चीज ट्यूब है। सिब्लिंग्स ने घर में वाटर पार्क बनाने का तरीका सोचा है। जेना स्पा नाइट के मजे ले रही है। मैं अपनी आंखों पर कुकुम्बर्स रखूंगी और शांति से बैठूंगी। ओह, क्या ये पानी है? फिर से वही पड़ोसी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम मेरे घर में पानी गिरा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं समझाता हूँ। यहाँ अब एक वाटर पार्क है। ओह, वाटर पार्क। रिलैक्स, अंदर आओ और देखो। लेकिन तुम सिर्फ स्विम सूट पहन के ही अंदर आ सकती हो। बिल्कुल। देखो हाइट मीटर। अच्छा रहेगा अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं। मैं स्लाइड पर जा रहा हूँ। ये अब मैं जाऊंगी। हाँ, मुझे भी स्लाइड पर जाना है। मुझे अंदर आने दो। लेकिन ऊंचाई किसे फर्क पड़ता है? ओह हाँ, तुम्हारे लिए कोई पूल नहीं। जाओ। ओह, जेना अपने घर में पहुंच गई। छत में छेद क्यों है? वूप्स। अगर मैं इसे चला दूं तो असली की सुनामी। अब और वेव्स नहीं।
वाटर पार्क में कोई फोन्स नहीं, उन्हें यहीं छोड़ो। मैं लेकर जाऊंगी। रुको, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बहन के लिए भी ठीक है, ये लो। सब लोग मजे कर रहे हैं और चैट ने बहुत बेकार फोटोज ली है। एलिस, कैमरा में देखो, चैट ये मुझे दो। ये बहुत बेकार पिक्स है, मेरी फोटोज मुझे दो। अगर तुम इसके पैसे दोगी तो फोटोज मिलेंगी। ठीक है, ये लो। याइक्स, लड़ाई शुरू हो रही है। प्रिजनर्स बीच में नहीं आएंगे, ये जंग है। कोई भी इस लड़ाई को सूखा नहीं छोड़ेगा। चैट, एलिस, तुम क्या कर रहे हो? रुको, जेना बीच में फंस गई। बहुत हुआ, ये लोग खतरे में हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पूल, रुको, तुम बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकते। क्या? तुम्हें फ्लोटीज भी चाहिए, समझ गया। हाँ? स्विम रिंग। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं हार मान रही हूँ। पूल, फिश पीलिंग, यहाँ। वो हो, मुझे ये हमेशा से ट्राई करना था। कैश दो, मजे करो, चलो देखें। ये फिश बहुत लेजी है। रुको, ये पेपर से बनी हुई है। हे, मुझे पैसे वापस चाहिए। वाटर पार्क में सिर्फ स्विम सूट्स, ये रूल है। एलिस, तुम्हारा स्विम सूट कहाँ है? मैंने पहना हुआ है। मैंने भी स्विम सूट पहना हुआ है। नहीं मैम, आप अपना रॉब पहन सकती हो। मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। पिज्जा का क्या? अच्छा आइडिया है, हमें पिज्जा चाहिए। हो गया। डिलीवरी, हाय। वूप्स, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम पेमेंट की जगह वाटर पार्क की राइड्स में जाना चाहोगे? वाओ, बिल्कुल। वाओ, ये असली वाटर पार्क की तरह है। वाओ, और यहाँ स्लाइड भी है। विश्वास नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूँ। मुझे वाटर स्लाइड्स बहुत पसंद है। शुक्रिया दोस्त, ये लो पानी। गुड लक, बाय। ये लोग आराम करके थक चुके हैं। ओह नहीं, ये पानी है, यहाँ पानी भर रहा है। अपने आप को बचाओ। ओह नहीं, मॉम मुझे कॉल कर रही है। हाय मॉम, घर वापस आ रहे हो इतनी जल्दी? हम मुसीबत में हैं। लेकिन चैट को याद है कि यहाँ पानी निकालने की जगह है। हाय बच्चों, क्या तुमने हमें याद किया? हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वाटर पार्क के टिकेट्स। क्या तुम खुश हो? हाँ, और ये तुम्हारे लिए है, पानी का बिल। क्या? पूरा वाटर पार्क यहाँ आ गया है। वायलेट को पूल में जाना है, लेकिन लाइफ गार्ड उसे नहीं जाने देगा, ये खतरनाक है।
वायलेट ने उसकी बात नहीं मानी और उसने अपने मॉम को बुलाया। पूल का पानी बहुत ठंडा है, मॉम उसे गर्म कर देगी ताकि वायलेट को कोई परेशानी ना हो। अब ठीक है, लाइफ गार्ड हैरान है, पूल इतना गर्म क्यों है? स्प्लैश जोन में ध्यान से जाना। सारी स्लाइड्स पर जाने की कुछ शर्तें हैं। वायलेट टेस्ट में पास नहीं हुई, बुरा हुआ। लेकिन जैक्सन ने तैयारी कर ली और उसके पीछे चौक चला दिया। अब सब लोग उस पर हंस रहे हैं। वायलेट को स्लाइड्स पर जाने का मौका मिल गया, वो फिर से जीत गई। जैक्सन कोशिश भी मत करना। लाइफ गार्ड वायलेट से बदला लेना चाहता है, उसके पास एक खास सरप्राइज है। पार्क की सबसे लंबी और डरावनी स्लाइड, सबको इससे डर लगता है, जैक्सन को भी। लेकिन उसने वायलेट को उसमें भेज दिया। जैक्सन को भी वायलेट की मॉम से डर लगता है। अब उसे अपने आप को बचाना होगा, बहुत देर हो गई। वायलेट बहुत ऊंचाई से नीचे आ रही है। गर्मियों में सन बहुत खतरनाक हो सकता है। वायलेट अपनी सुंदर स्किन के लिए परेशान है। उसने जैक्सन को सनस्क्रीन लगाने के लिए बोला, वो जो चाहे उसे करना पड़ता है। लेकिन अपनी असली जॉब के बारे में मत भूलना, जैक्सन लाइफ गार्ड है। वायलेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे लोगों को बचाने से ज्यादा अपनी स्किन की पड़ी है। मॉमी, इस गैर जिम्मेदार इंसान को संभालो। जैक्सन ने जादू से उसे बचा लिया, उसे अवार्ड और पैसे भी मिले। ये पूल साइड हीरो है, लेकिन कुछ और भी। वायलेट को सनबर्न हो गया, अब उसे जैक्सन पर गुस्सा आ रहा है। क्या वो मुझसे ज्यादा जरूरी था? वायलेट ने जैक्सन को चैलेंज किया, स्लाइड के ऊपर से नीचे जल्दी कौन उतरेगा? चलो चले। जैक्सन आगे की तरफ गया, उसने वायलेट को हरा दिया। मॉम किसी को भी अपनी बेटी को नहीं हराने देगी। वायलेट सबसे अच्छी है। जैक्सन अपनी जीत मना रहा है, वो सच में खतरे में है। एक और राउंड, इस बार मॉम के रूल से खेलना होगा। चलो देखें अब क्या होगा। बॉस ने जैक्सन को अपनी जीत का सबूत दिया, उन्होंने ये वायलेट के लिए किया है। वायलेट फिर से लाइफ गार्ड को परेशान कर रही है, लेकिन ये मामला जिंदगी और मौत का है। उसे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, ये पूल में नीचे लिखा हुआ है। लेकिन वायलेट को वो नहीं दिख रहा, उसे अंदर जाना होगा। लेकिन उसके फ्लोटिस की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही। जैक्सन को भी उसके ऊपर हंसी आ रही है, उसे वेट की जरूरत है। जैक्सन ने वायलेट के पैर पर वेट बांध दिया है, अब वो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगी। वेट वायलेट से भी ज्यादा भारी है, ये बिग बॉस है। जैक्सन के लिए बुरी टाइमिंग थी, उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, सीटी कहाँ है? वायलेट ने वो फेंक दी। अब जैक्सन को अंदर जाकर अपनी विसल लानी होगी। वायलेट को जैक्सन को परेशान करना अच्छा लगता है, वो उस पर स्पिट बॉल्स फेंक रही है। जैक्सन को नहीं पता चल रहा कि वो कहां से आ रही है। एक और शॉट, बुलजाई, उसने स्निपर को देख लिया, पर अब देर हो गई है। वो बहुत तेज है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। मॉम ने बेटी को गेंद नीचे रखकर कुछ खाने के लिए बोला।
वायलेट ने वादा किया कि वो कूड़ा खत्म कर देगी। पानी के पास सैंडविचेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जैक्सन ऐसा नहीं होने देगा, ये रूल्स के खिलाफ है। तुम खाने के एक घंटे बाद ही स्विम कर सकते हो। मैं क्या करूं? कोई भी वायलेट को मजे नहीं करने देगा। उसे अपनी मॉम के पास रोते हुए जाना पड़ा। उसकी मॉम के पास हर चीज का जवाब है। खाना जिप लॉक के अंदर डालो। अब ठीक है। वायलेट ने जैक्सन को इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेने के लिए बोला। थोड़ा इस तरफ आओ, थोड़ा और, थोड़ा सा और अब ठीक है। जैक्सन की बूमरैंग पूरे इंस्टाग्राम पर छा जाएगी। बॉस को इसका प्रैंक अच्छा लगा और बोर्ड ऑफ फेम के लिए पिक्चर लेने के लिए बुलाया। शॉट सेट कर लो, राइट की तरफ थोड़ा और बढ़िया है। बॉस भी बहुत मजाक किया है। लाइंस बहुत लंबी है। वायलेट इंतजार करके थक गई है। उसे कोई आगे नहीं जाने दे रहा। उसे अपनी मॉम को बुलाकर आगे जाना होगा। अब वायलेट बिना लाइन के स्लाइड पर जा सकती है। वो जब भी चाहे और जितना मर्जी चाहे। वाओ, व्हाट अ पार्क! मुझे पूल में जंप करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मैं जंपिंग के लिए मना कर रहा हूँ। मुझे एक माहिर इंसान की तरह स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, उदास होना मना है। तुम सिर्फ स्माइल के साथ ही स्विमिंग कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, डॉग की तरह हरकतें करना मना है। तो इस वाटर पार्क में क्या करना मना नहीं है? शायद मुझे पता है। मेरे लिए यही इंतजार करो वेस्ट। हे, मेरी मैनेजर वेस्ट कहाँ है? अब मैं मैनेजर हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ओह नहीं, सुनामी! मेरी वेस्ट! मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाय सुंदर लड़की, कैसी हो? मुझे बहादुर लड़के बहुत पसंद है। शुक्रिया, लेकिन कोई शुक्रिया नहीं। हाय हॉटी, देखो मैं तुम्हारे लिए ताकतवर बनकर आ गया। मेरे बाइसेप्स देखो। वाओ, रुको, ये स्विम फ्लोट इज हियर। हाँ, अच्छी कोशिश थी मैन। उप्स, मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें हंसाया। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। क्या तुमने बेकार जोक को वेस्ट में देखा है? वो उस तरफ गया है। शुक्रिया सुंदर लड़की। क्या कर रही हो? चलो सेल्फी ले। उप्स, मुझे जाना होगा। रुको, तुम स्विम करके मुझसे दूर नहीं भाग पाओगे। वेस्ट वापस करो। मैं तुम्हारा मैट्रेस ले लूंगा। उप्स, फ्लोटिंग मैट्रेस रेस कमाल की है। स्टीव ने अपनी स्पीड बढ़ाई और रेस जीत गया। स्टीव भाग गया।
ये मेरी वेस्ट है, घूमो। शायद नहीं। वो रही मेरी वेस्ट। मैं आ रहा हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। मुझे पूरी तैयारी के साथ आना पड़ा। मुझे बहुत ऊपर से जाना होगा। नहीं, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वेस्ट पकड़ो। हाँ, ये मेरी है। आखिरकार मुझे ये वापस मिल गई। क्या ये वो है? मेरा खजाना? नहीं, मेरी वेस्ट ने मुझे फिर से छोड़ दिया। मेरी लंच ब्रेक चल रही है। मुझे भूख लग रही है। हे, तुम मुझे पिज्जा दो। क्या? हाँ बॉस, पकड़ो। डिलीवरी के लिए शुक्रिया। वेलकम बॉस। अब मुझे पेप्सी चाहिए। नीचे दो। हाँ बॉस। हे ब्रांडा, मैं तुम सबसे परेशान हो चुकी हूँ। हे, ये क्या है? मेरी वेस्ट। रुको। हे चोर, इधर आओ और मुझे मेरी वेस्ट वापस करो। आओ और ले लो। ओह हाँ, पानी ठंडा है। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। मैं पानी गर्म करने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल करूंगा। शुक्रिया बिग बॉस, मुझे गर्म पानी अच्छा लगता है। ये मेरे पिज्जा को गर्म करने के लिए अच्छा है। बहुत गर्मी है। आपके लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिस, उन्होंने भिजवाई है। हाय। शुक्रिया। उन्होंने मुझे एक और ड्रिंक ले जाने को बोला है। हाय। उन्होंने एक और ड्रिंक भिजवाई है। हाय। मेरा हाथ थक गया है। ये बहुत ज्यादा हो गया। हे, ड्रिंक का क्या होगा? ये तुम्हारे लिए है। क्या? बाथरूम में भी? मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कहाँ हो? बिल्कुल यहाँ। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। ओ, मैं तुम्हें। तुम कहाँ हो चोर? मुझे नहीं दिख रहे। तुम ग्राउंड हॉग की तरह लग रहे हो। बाय। रुको। रोज अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ सुंदर लड़की। वाह, तुम बहुत क्रिएटिव हो। साथ में डिनर करना चाहोगी? ओह, मेरे भाई एलेक्स से मिलो। हाय। मेरी कीमती वेस्ट। हम फिर से साथ हैं। आउच। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को डुबो दिया। मैं
अभी वापस आया हूँ।